हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अरुण, बी फार्मासिस्ट, फिर से आ चुका हूँ एक और नई मेडिसिन के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा पैफिजर कंपनी के क्लोरामफेनिकोल आई ऑइंटमेंट से रिलेटेड। और आज की इस वीडियो में इसी मेडिसिन की जानकारी दूंगा, इसी मेडिसिन के दोस्तों रिव्यू करूंगा, और इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, कैसे अपनी आइज़ में डालनी है, और कितने टाइम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से पहले क्या आपके सब प्रिकॉशन फॉलो करने हैं, और ये मेडिसिन दोस्तों कितने दिन के अंदर रिजल्ट देते हैं, कितने दिन तक आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, इस मेडिसिन के अंदर क्या कॉम्बिनेशन डाले गए हैं, क्या इसके अंदर साल्ट डाले गए हैं, और ये मेडिसिन आपको कितने MRP में अवेलेबल मिलेगी, और कहाँ से इस मेडिसिन को परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके क्या साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं, तो कंप्लीट नॉलेज मैं आप सभी को दूंगा, लिटरली मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी ऑल प्रेस जरूर करें, और इस वीडियो को अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें। और ये जो वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल वीडियो है, क्रिटिकल मेडिसिन है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। तो दोस्तों मैं सभी को बता देता हूँ, जो पैफिजर कंपनी का क्लोरामफेनिकोल जो आई ऑइंटमेंट बनाया गया है, ये किस लिए बनाया गया है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके यूज़ हैं, और किस डिजीज़ में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है, किस बीमारी में इस मेडिसिन का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन स्पेशली बनाई गई है दोस्तों बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन के लिए। अगर दोस्तों आपकी आइज़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा जा रहा है, जैसे कि आपकी आइज़ में दोस्तों पेन होने लगता है, रेडनेस देखी जा रही है, या शॉर्नेस देखी जा रही है, या दोस्तों आपकी आइज़ में ईचिंग होने लगती है, और जैसे कि दुखन होने लगती है, या दोस्तों में जो है लालिमा देखी जा रही है, खुजली होने लगती है, किसी भी टाइप का दोस्तों अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा जाए, जैसे कि सूखापन रहता है, ड्राइनेस जैसे आपकी आइज़ में देखी जा रही है, तो ऐसी समस्याओं में इस मेडिसिन का यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आइज़ आ जाती हैं आपको का आना, ऐसी समस्या अगर देखी जा रही है, उसमें भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी की मेडिसिन जो कि पैफिजर कंपनी की है, और इस कंपनी दोस्तों बहुत सी मेडिसिन आती हैं, बहुत सी दोस्तों इसकी क्रीम वगैरह, टैबलेट वगैरह आती हैं। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ इस मेडिसिन की क्या MRP है, किस MRP में आपको अवेलेबल मिलेगी मेडिसिन। तो दोस्तों ये आपको मिलेगी 65 या फिर जो 70 का ऑलमोस्ट मिलेगी। आपके जो नज़दीकी एलोपैथिक मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ से इसको इजीली ले सकते हैं। और दोस्तों मैं सभी को बता देता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। तो इसमें दोस्तों कैप्सूल निकलते हैं जो कि एप्ली कैप्स निकलते हैं, जो कि दोस्तों इससे पहले आपने देखा होगा दोस्तों वाइट वाइट कैप्सूल नहीं आते जो आंखों में डालने के होते हैं, उस टाइप के दोस्तों कैप्सूल आते हैं, जो कि दोस्तों इजीली आप इसको डाल सकते हैं। दोस्तों पहले आपको क्या करना है, आपकी आइस को दोस्तों वाटर से वॉश कर लेना, हल्का दोस्तों आंखों में पानी मार लेना है, और दोस्तों जब आंखें अब सही से साफ कर लें, उसमें दोस्तों इसको रात में यूज़ करें, दोनों आंखों में डालें। दोस्तों ये नहीं कि एक ही आँख में डालें, दोनों में डालें, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी एक आँख में प्रॉब्लम है तो दोनों में डालें दोस्तों आपको हो सकता है दूसरी आँखों में दोबारा से प्रॉब्लम होने लगे, इसलिए दोस्तों दोनों आँखों में डालें। और इस मेडिसिन को कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी इसको जो है आइज़ अपने आइज़ में डाल सकता है। इसको दोस्तों बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर उनके बच्चों में जैसे बच्चों में ऐसी समस्या देखी जा रही है, उनकी आँखों में खुजली होने लगती है, आँखें आ रही हैं, लालिमा देखी जा रही है, तो ओल्ड एज में वो भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जो कि टीनएजर्स हैं, मेल फीमेल, बॉयज़ गर्ल, जो भी इसको यूज़ करना चाहे कर सकता है। और अब मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों इस मेडिसिन के अंदर क्या कॉम्बिनेशन डाले गए हैं, और क्या इसके अंदर दोस्तों साल्ट डाला गया है। तो इसके अंदर दोस्तों क्लोरामाइसिन का साल्ट डाला गया है दोस्तों, जो कि एंटीबायोटिक का वर्क करती है, एंटी बैक्टीरियल का वर्क करती है। और मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों ये मेडिसिन कितने दिन के अंदर रिजल्ट देगा, कितने दिन तक आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों अक्यूट कंडीशन है, अक्यूट प्रॉब्लम आपको हो रही है दोस्तों अभी से है, एक जैसे कि 1 वीक से हो रही है, 10 डेज तक देखी जा रही है, तो इसके दोस्तों 2 से 4 दिन इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इसको आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या इसके साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको जो है आइज़ में ब्लरिंग जैसे देखी जाती है, आँखों में धुंधलापन देखा जा सकता है, आइज़ में आपको स्टिंगिंग पेन देखा जा सकता है, आँखों में चुभन सी हो सकती है, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं। तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है ऐसी समस्या आपको हो रही है, जैसे कि आपकी आँखों में दर्द होने लगता है, सॉरनेस देखी जा रही है, आँखें थकी थकी सी रहती हैं, या उनमें दोस्तों इन्फ्लेमेशन हो रही है, जलन देखी जा रही है, खुजली हो रही है, किसी भी टाइप का दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा जा रहा है, या दोस्तों आपकी आँखें आ जाती है, अगर ऐसी समस्या हो रही है तो उसमें आप इस मेडिसिन को बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस मेडिसिन की आप सभी को कम्प्लीट नॉलेज दे दी है, आप सभी को पूरी जानकारी दे दी है, और कोशिश की दोस्तों इस मेडिसिन की कम्प्लीट नॉलेज दे देंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो सभी को जरूर पसंद आएगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर जरूर कर दें, अपनी फैमिली में शेयर करें, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर करें, थोड़ा सा प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करें,
तो मिलते हैं एक और नई मेडिसिन के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। और जो नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किस डिजीज पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट जरूर करें। और अपने फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सो थैंक यू गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।